मैं मनजीत मुंदा, आशा करता हूँ आप सब अपनी जगह ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पे चंडीगढ़ कार्निवल दिखाने के लिए। यहाँ पे कल से ही शुरू हो रहा है और यहाँ पे क्या क्या तैयारी हो रखी है, जो भी चीज़ें हो रखी हैं वो आपको दिखाऊंगा। और ये लोकेशन है दोस्तों सेक्टर 10। सिंपल सी लोकेशन बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे पहुँचना है तो ये देख लें, ये ना बिल्कुल सामने ही है दोस्तों। यहाँ पे ये म्यूजिक आर्ट एंड गैलरी, तो इसी के बिल्कुल सामने ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओपन ग्राउंड है और ये यहाँ पे टैंक लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर पार्किंग करना चाहें तो वो भी फ्री है। यहाँ पे ये लोकेशन मैंने प्रॉपर बता दी है, बिल्कुल आसानी से पहुँच सकते हैं। और वैसे GPS में सेक्टर 10 डाल के म्यूजियम एंड आर्ट के अपोजिट में है ये। साल में एक बार ये चंडीगढ़ कार्निवल होता है जो कि काफी फेमस है, तो ये दिखाना तो बनता ही था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ आपको दिखाने के लिए। अभी चलते हैं अंदर और क्या क्या है वो दिखाऊंगा। ये जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये है मेन एंट्री गेट। मेन एंट्री गेट पे ये इस तरह से ये यहाँ पे डमी पुतले टाइप ये बना रखे हैं, और ये देखिए इनके हाथों में थाली है, और इस तरह से मतलब यूनिक सी एंट्रेंस, मतलब काफ़ी बढ़िया बना रखा है इन्होंने। ये देखें अभी बिल्कुल रेडी है और कल यहाँ पे 10-11 बजे से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आओगे ये अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और जो भी चीज़ अभी दिख रही है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। चंडीगढ़ में भी दिखा दूँ दोस्तों आपको आईफल टावर, जो कि फ्रांस में है। ये देखिए आईफल टावर, ये दिखा मेरे सामने, ये है आईफल टावर चंडीगढ़ का, जो कि इस ओपन ग्राउंड में यहाँ पे सबको पता ही होगा, जो भी चंडीगढ़ वाले उन्हें तो पता ही, ये आईफल टावर यहाँ पे बना रखे हैं। ये देखें ज़्यादा बड़ा तो नहीं है मगर ठीक है, चंडीगढ़ में बना हुआ है, काफ़ी फेमस है, तो आईफल टावर ग्राउंड भी इसे कह देते हैं कई बार। और बाकी ये जो स्टॉल्स हैं ना, ये खाने पीने के स्टॉल्स हैं, तो इस तरह से ये अभी यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये फूड कोर्ट टाइप दिख जाए, वहाँ पे जो मेन्यू मैंने अभी आपको दिखाया फूड्स का, वो जो भी प्राइसेस हैं वो मिलेंगे। तो इस तरह से अभी यहाँ पे ये देखें लगाई हुआ है, मतलब काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, और यहाँ पे अभी बिल्कुल तैयारी जोरों शोरों पर है। कल ये स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे फ्लैग पहले फहराया जाएगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा पूरा कार्निवल। और ये जो काउंटर्स है ना, ये अपना अलग अलग एग्जीबिशन अपने अपने इन्होंने लगा रखे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के हैं, हर तरह के, मतलब कंपनीज की भी अलग अलग वो फ्रेंचाइजी टाइप भी यहाँ पे मिलेंगी, और गवर्नमेंट के भी एग्जीबिशन वो दिखेंगे आपको यहाँ पे। मतलब इतनी चीजें हैं ना दिखाने के लिए, काफी कुछ, तो यहाँ पे कल आके जरूर ये एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। और यहाँ पे ये डेकोरेटिव आइटम्स ये भी दिखा दो एक बार। दोस्तों 25 और 26 को ना यहाँ पे कैलाश खेर सिंगर और बब्बू मान ये भी आएंगे यहाँ पे, बहुत ही फेमस, मतलब नाम है इनका भारत में, ये देखना तो बनता ही है 25 और 26 को आके। और ये देखिए स्टेज, और ये देखें इतनी सारी चेयर्स लगा रखी हैं, ये बैरियर टाइप पाइप्स भी लगा रखी हैं कि सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम यहाँ पे कर रखा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप अपना आके सिंगर्स की जो इवेंट चलेगी वो भी देख सकते हैं। और बाकी एंट्री यहाँ पे फ्री है, उस चीज़ की ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट लोगे तो आप पैसे देने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्री है, आओ देखो 25 और 26 को। बाकी 24 से तो स्टार्ट हो जाएगा, और ये मेरे पीछे स्टेज दिख रही होगी आपको, कितनी तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है यहाँ पे। पहले बना रहा हूँ मैं पहले कि आपको अगर यहाँ पे आओगे ना, बिल्कुल भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये 24 तारीख से 26 तारीख तक चलेगा, 24, 25, 26। तो जो अभी मैंने दिखाया ना आपको, ये अम्यूजमेंट पार्क भी लगा रखा है यहाँ, जैसे कि अगर आएंगे तो बच्चे बच्चे तो खेलने बिना मानते नहीं, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे झूले भी लगा रखे हैं, तो झूले भी झूल सकते हैं इस ग्राउंड में, अम्यूजमेंट पार्क लगा हुआ है। ये देखो टाइमिंग इसमें लिखी हुई है सारी चीजें, एड्रेस ये ऊपर लिखा हुआ है, ओपन ग्राउंड अपोजिट गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। तो जो भी चीजें ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आपके काफी। और ये 24 से 26 नवंबर 2023 तक यहाँ पे विंटेज डिस्प्ले भी होएगा, मतलब विंटेज कार्स का डिस्प्ले होएगा। और ये और देख लें, जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना, ये परफॉर्मेंस होएगी यहाँ पे 24 से 26 तारीख तक, और 25 तारीख को आएंगे कैलाश खेर जी यहाँ पे,
ये दिखाई रखा है, बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। और बब्बू मान जी आएंगे 26 तारीख को, जिनका काफी क्रेज है, काफी दुनिया आती है यहाँ पे, उन्हें देखने के लिए आएगी पक्का। और ये देखिए एक लाइव परफॉर्मेंस होगी हिमाचल पुलिस के द्वारा इस डेट को, ये टाइम है। और एक बहुत ही काम की चीज और दिखा देता हूँ आपको, विंटेज कार डिस्प्ले जो कि यहाँ पे दिखाई जाएंगी। विंटेज कार्स होती हैं, पुरानी कार्स होती हैं, काफी फेमस मतलब काफी यूनिक कार्स होती हैं, तो वो दिखाना भी बनता है। ये दोस्तों अभी लेके चलता हूँ। और ये जो कार्स है ना, बिल्कुल जैसे ये एंट्री गेट है, इसके बिल्कुल जस्ट सामने है ये, तो इसके अंदर जाके आप कार्स देख सकते हैं। 24 तारीख से यहाँ पे शुरू हो जाएगी और 26 तारीख तक प्रदर्शनी चलेगी यहाँ पे। ये जो मर्सिडीज है ना, ये आपने फिल्मों में देखी होगी, पुरानी फिल्मों में यही इसी तरह की मर्सिडीज यूज होती थी। ये देखने में अलग ही लग रही है, मतलब येलो कलर में बिल्कुल हाइलाइटेड कलर है। और ये किस तरह से, मतलब इसमें भी चार आदमी बैठ सकते थे आराम से, ब्लू और येलो कलर में बना रखी है इस तरह से। ये बता रहे हैं कि कल ना यहाँ पे इससे भी कई गुना ज़्यादा आ जाएंगी रातों रात, यहाँ पे और ज़्यादा विंटेज कार्स आ जाएंगी। तो अभी तो यहाँ पे 10-12 खड़ी हैं जो कि मैंने आपको दिखाई हैं, मगर इससे भी ज़्यादा मिलेंगी आपको जब आप यहाँ पे देखने के लिए आएंगे। तो ये यहाँ पे प्रदर्शनी मतलब विंटेज कार्स की खुली रहेगी 24 से 26 तक, तो ये भी देखना बनता है। बिल्कुल जस्ट अपोजिट ये देखिए, वहाँ पे वो चंडीगढ़ कार्निवल की एंट्री है और यहाँ बिल्कुल इसी के जस्ट सामने ये देखिए। तो ये देखना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पुराने समय में, पुराने टाइम में यही विंटेज कार्स यूज होती थी, इनकी बिल्कुल ही लग्जरी देखने में लगती है। तो ये भी देखना तो बनता ही है यहाँ पे आगे। एक चीज और बता देता हूँ, बहुत काम की, कैंडी लैंड की थीम रखी गई है, मतलब कैंडीज टाइप यहाँ पे आपको बनी हुई दिखेंगी। दोस्तों आपको बता रहा था ना कैंडी लैंड की थीम है, तो कैंडी लैंड में इस तरह के आपको झांकियां निकलती हुई दिखेंगी, यहाँ लगी हुई दिखेंगी। तो कैंडी लैंड है मतलब इस तरह से सेंटा क्लोज भी बना रखा है, क्योंकि क्रिसमस आने वाला 25 दिसंबर को। ये सारी चीज़ें जो कि आप आओगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, तो मैंने आपको दिखा दी है जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता था, कि बिल्कुल भी आपको यहाँ आने में परेशानी ना हो। रात हो गई है दोस्तों, अंधेरा हो चुका है, तो अब मैं अभी चलता हूँ अपने घर की तरफ। और यहाँ पे 24, 25, 26 तीन दिन चंडीगढ़ कार्निवल रहेगा, तो एंजॉय करो दोस्तों। यहाँ पे आगे सेक्टर 10 लोकेशन है प्रॉपर, मैंने बता दिया आपको, डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारी डिटेल्स डाल दूंगा। और विंटेज कार्स का भी देखना ना भूलें, और 25 और 26 को कैलाश खेर और बब्बू मान आ रहे हैं, तो वो भी देखना ना भूलें। और दोस्तों आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों अपने घर की तरफ।